Being a surgeon, it is really difficult to manage the time as you are always on call. और दूसरी तरफ लोग भी कहते थे काम मौलवियों में फंस गए। Final year of bachelor was going on and a highly packed schedule and yet pursuing an Islamic education was not at all convincing for me at that time. I was actually confused about that they might be teaching extremist education in a sophisticated manner. हमारी सोसाइटी में जब इस्लामिक एजुकेशन की बात आती है तो सब अपनी तरफ बुलाते हैं। ऐसे में I was looking for a place जो biased ना हो। Being a businessman and a teacher at the same time, बहुत मुश्किल था इस्लामिक एजुकेशन का स्टार्ट लेना। अस्सफा प्रोवाइडेड मी इस्लामिक एकेडमिक एजुकेशन इन एग्जीक्यूटिव आवर्स। जिस वक्त मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया उस वक्त मेरी उम्र 64 थी। अब मैं समझता हूँ कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और मैंने क्या सीखा? What I've learned, sometimes the phrase is आम और खास, यानी स्पेसिफिक और जनरल, एंड दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन प्रिंसिपल ऑफ जुरिसप्रूडेंस, यानी उसूल फिक्र। जब एक सिखा रावी अपने से औसख रावी की मुखालफत करता है तो उसे शाज कहते हैं। इन जुरिसप्रूडेंस देयर आर फोर आर्टिकल्स ऑफ कयास। नंबर वन इज असल, सेकंड इज फरा, एंड द थर्ड वन इज इल्लत, एंड द लास्ट वन इज हुक्म। मुजाफ पे कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, एंड मुजाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर। कभी कभी मुब्तदा मुअक्खर होता है और कभी कभी खबर मुकद्दम होती है। Sometimes predicate precedes the subject and other times subject precedes the predicate. अगर किसी रावी के बारे में जरा भी हो और मदा भी, तो मुहद्दिसीन के नजदीक जरा को मुकद्दम रखा जाएगा। विरासत के उसूलों में से एक उसूल है कि मैयत के कुल माल में से वसीयत एक तिहाई से ज्यादा नहीं दी जा सकती। ज़रब यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन, ज़ुरिब यज़रिबु ज़रबन फ़ज़ाक मज़रूबुन, लम यज़रिब लम यज़रब ला यज़रिबु ला यज़रबु, लन यज़रिब लन यज़रब, अल-अम्रु मिन्हु इज़रिब लितुज़रब लियज़रिब लियज़रब, वन्नहयु अन्हु ला तज़रिब ला तज़रब ला यज़रिब ला यज़रब, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रब वल-आलतु मिन्हु मज़रब वअफ़अलु तब्ज़ील मिन्हु अज़रब वल-मुअन्नसु ज़रब। इसे सरफ़े सग़ीर कहते हैं।